हेलो। जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक सेकंड, लेट मी चेक। ओके, सो दिस इज आवर लूसेंट सीरीज। पेज बाय पेज अपन इसमें लूसेंट को देख रहे हैं अभी तक। अब अपना ये जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में चल रही है केमिस्ट्री, इवनिंग में चल रही है बायोलॉजी, एंड फोकस इज एचसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। एंड यू कैन टेक योर बुक एंड प्रोसीड विद द लेक्चर, मेक नोट्स। सारे फैक्ट वी विल ट्राई टू लर्न विद द ट्रिक्स एंड योर पार्टिसिपेशन, योर आंसर वेन एवर इट इज आस्क। एंड दिस इज अबाउट मी, माई नेम इज डॉक्टर अमित, और वी आर हैविंग स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन 1st of May। मैनी स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर द टेस्ट, तो 1 मई को ही रहेगा ये टेस्ट, और आपका 12 बजे टेस्ट मिलेगा आपको। इसकी भी टेस्ट की भी और प्रोसीजरल डिटेल्स आई एम ट्राइंग टू वर्कआउट दैट, और आज शाम तक वो आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए यू हैव टू डाउनलोड डॉक्टर अमित अकेडमी। और भी कोर्सेज जो एचसीएस यूपीएससी के हैं, वो भी आप अकेडमी की ऐप से ही ले सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, यू कैन सब्सक्राइब डॉक्टर अमित अकेडमी इफ यू वॉन्ट टू लर्न और प्रिपेयर फॉर स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। ये बायोलॉजी खुली हुई है। कौन कौन आ गया है? पूनम, अखिलेंद्र, निभा, अजीत, भूमिका, सचिन, दीक्षा, शशि, युविका, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री ठीक है। अपने को करना है मेटलर्जी से ना, इससे पहले तक अपन ने कर लिया था। ये कोल और उनकी नेचर अपन ने कर ली थी, ठीक है। आज अपने को करना है मेटलर्जी के प्रोसेस से। गुड मॉर्निंग सुविधा, संगीता गुड मॉर्निंग, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। ये पहले वाला आप लोग देख लेना, सीटी नंबर पीटी नंबर जो भी है, सीएनजी पीएनजी, ठीक है। सारा का सारा रिविजन अभी कर लो। साथ साथ अभी अपन सीधा प्रोसेस से ही शुरू करेंगे कि भाई यहां से करना है तो यहीं से एक बार शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना आ रहा है मेटलर्जी, मेटल अर्जी, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल इन प्योर फॉर्म। अब एक्सट्रैक्ट करोगे तो कहां से करोगे? एक्सट्रैक्ट करते हैं हम ओर से, और मतलब जो भी मिनरल पाया जाता है या मेटल पाया जाता है, दूसरे दो तीन चीजों के साथ में कंबाइन मिलता है, तो उसको अपन बोलते हैं ओर, ठीक है। तो ये हो गया। अब मिनरल क्या है? मिनरल आर द कंपाउंड जो नेचुरली मिलते हैं, ठीक है। और एक मिनरल में सिंगल कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन आपके मिल सकते हैं। मिनरल नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ऐसे ही और क्या हो जाएगा? जिसमें से ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल इकोनॉमिकली और इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। देखो, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओर की डेफिनेशन पूछी भी जाती है, ये आप मार्क कर लो, तो उसमें इकोनॉमिकली आपको जरूर जरूर देखना है। क्योंकि अगर मान लो मैंने एक्सट्रैक्ट कर भी लिया, ये जैसे पीट है, लिग्नाइट था, बिटुमिनस एंथ्रासाइट, पीट में 50 से 60% कार्बन है, ठीक है। अब ये तो नॉन मेटल ही हो गया, बट अपन एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि अगर इसको अपन मान के चलें कि भाई यहां से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये थोड़ा सा ही निकाल पाया, 50% ही, बाकी वेस्ट हो गया, ठीक है। बट अगर एंथ्रासाइट से निकालोगे तो अच्छा खासा निकल जाएगा। तो ये और ये फिर वो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत रेयरली अवेलेबल है। तो अब बीच का सा जो हो जाता है, जो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, वो अपना क्या हो जाता है? ओर। तो ऑल ओर्स आर मिनरल, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ये तो हो गया, ठीक है। मंजू गुड मॉर्निंग। फिर अपना यहाँ पे आता है गैंग, गैंग गैंग पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। अब जब छोटे थे 10th 11th में, तब इसको गंगू बोलते थे, ठीक है। गैंग दैट इज और मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये वो होता है जो इम्प्योरिटीज होती हैं मिनरल के साथ, जैसे सैंड, रॉक, लाइमस्टोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। इनको हटाया जाता है, ठीक है। गंगू जो है ये आपका, गंगू तेली वट एवर जो इस है, इसको हटाया जाता है। अमन गुड मॉर्निंग, बॉन्ड गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब अपन आते हैं इसमें फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इम्प्योरिटीज को हटाने में काम आता है, ठीक है। फ्लक्स इम्प्योरिटीज को फ्लश कर देगा कुछ इस हिसाब से, ठीक है।
प्लक्स वेल फ्लश आउट द इम्प्योरिटीज, ये दो टाइप का होगा। एसिडिक बेसिक, एसिडिक कौन सा होगा? एसिडिक ऑब्वियसली बेसिक इम्प्योरिटीज के साथ कंबाइन होगा, जैसे SiO2 है एसिडिक फ्लक्स, तो ये बेसिक इम्प्योरिटीज FeO, तो FeSiO3 ऐसा बना लेगा, ठीक है। ऐसे ही बेसिक फ्लक्स क्या होगा, जो एसिडिक इम्प्योरिटीज है, क्योंकि एसिड बेस के साथ कंबाइन होता है, बेस एसिड के साथ कंबाइन होता है। अब एक टर्म आ रही है स्लैग, देखो स्लैग पूछा जा सकता है, ये सारी टर्म पूछी जा सकती है, गैंग भी पूछी जा सकती है, फ्लक्स भी पूछा जा सकता है, और आपका स्लैग भी पूछा जा सकता है। स्लैग इज वॉट, स्लैग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग विथ फ्लक्स, जो आपका निकल जाता है, ठीक है। तो और फॉर्म्स अ फ्यूजिबल मटेरियल, वो मोल्टन फॉर्म में आपका बाहर निकल जाता है। और कई बार क्या होता है कि मेटेलिक जो स्लैग अपना मिलता है, इसको अपन यूज भी करते हैं, ठीक है। कभी कभी जैसे सीमेंट फॉर्मेशन वगैरह है, तो उसमें अपन इसको यूज करते थे, जैसे यहाँ पे ये कैल्शियम सिलिका ट्राइऑक्साइड, तो ये अपन यूज करेंगे। फिर है कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन क्या है, कंसेंट्रेशन मतलब कंसेंट्रेशन बढ़ रही है धीरे धीरे, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर में से इसको हटाना इज कंसेंट्रेशन ऑफ द ओर। तो आप कैसे करेंगे, गैंग प्लस फ्लक्स, फ्लक्स को यूज करके मेटल को कंसेंट्रेट कर देते हैं अपन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अलग अलग टाइप के कंसेंट्रेशन प्रोसेस हैं अपने, ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक कंसेंट्रेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, या फिर केमिकल मेथड। देखो जो ग्रेविटी के हिसाब से सेटल हो जाएगा नीचे, तो वो ग्रेविटी, मैग्नेट का यूज करके, फ्रॉथ मतलब घुमा के जैसे घी निकालते हैं, ठीक है, तो वैसे अगर आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो ये प्रोसेस हो जाएगा। एंड ऐसे ही केमिकल मेथड्स भी हो सकते हैं। ये वाली टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव जो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट रिएक्टिव इज पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, ठीक है, देन मैग्नीशियम। तो फर्स्ट वाले जो आपने है लेना की वो था KNa, कैल्शियम मैग्नीशियम, लीस्ट रिएक्टिव पता होना चाहिए, मोस्ट रिएक्टिव पता होना चाहिए, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम, सोडियम भी बहुत रिएक्टिव होता है, इसीलिए सोडियम को कैरोसिन में रखा जाता है, ठीक है, ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ऐसा भी पूछा जाता है कि भाई कौन सा मेटल आपका कैरोसिन में पुटअप किया जाता है, लीस्ट रिएक्टिव अपना है गोल्ड, उससे कम सिल्वर, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा सिल्वर, उससे ज्यादा कॉपर मरकरी, ये चारों भी याद रखना, ये दोनों तीनों याद, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। विकास गुड मॉर्निंग। फिर अपन और भी प्रोसेसेस यूज करते हैं, जैसे कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन नाम से पता चल रहा है कि कैल्शियम, ठीक है, तो ओवर हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उससे पानी आपका निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो फॉर्म करती है कार्बोनेट, तो एल्यूमिनियम 2H2O है, तो Al2O3 प्लस 2H2O, ठीक है, तो ये कैल्शियम CaCO3 था, इसको हीट करोगे तो CaO प्लस CO2। कैल्सिनेशन इज बेसिकली हीटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे ही अपने पास दो तीन और भी आते हैं, अमित शुभम गुड मॉर्निंग, अपना बायोलॉजी में था पायरोलाइसिस और इंसिनरेशन, इन दोनों का भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एक में ऑक्सीजन यूज होती है, एक में ऑक्सीजन यूज नहीं होती, तो यू कैन कमेंट डाउन किस में ऑक्सीजन यूज होती है, तो ऐसे ऑक्सीजन यूज्ड इन डैश। गुड मॉर्निंग केशवी, पायरोलाइसिस में यूज नहीं होती, ठीक है शशि, वेरी गुड। फिर अपने पास यहाँ पे है रोस्ट, रोस्ट करते हैं अपन, चिकन को रोस्ट करते हो या किसी भी चीज को रोस्ट करते हो, तो वहां पे ध्यान रखना हमेशा ऑक्सीजन चाहिए या फिर एयर चाहिए, ठीक है, तो ZnS प्लस O2, ZnSO4, और ये अपने को रिएक्शन याद नहीं रखनी, रोस्ट में अपने को ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है विकास, धन्यवाद, सबका ठीक है, ठीक है, कैसे याद कर लो, यूज जिसमें होती है वो याद कर लो, या फिर यूज जिसमें नहीं होती वो याद कर लो। देन अपने पास नेक्स्ट आ रहा है स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या होता है, कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पे जो रिडक्शन है ऑफ ऑक्साइड, यानी Fe2O3 प्लस 3 कार्बन हो गया मान लो, तो Fe प्लस 3 CO, ये हो जाता है अपना कार्बन, कार्बन के साथ आप
हाई टेम्परेचर पे जब रिड्यूस करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्वेल्टिंग। ठीक है, अब अलग अलग मेटल और उनके ओर हैं, तो जो मार्क कर रखे हैं जैसे बोरेक्स, कॉमन सॉल्ट, सोडियम, इनको ही आप बस ध्यान रख लेंगे एटलीस्ट। ठीक है, कैल्शियम, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, ठीक है, बॉक्साइट, फ्लैट स्पार, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कार्नलाइट पूछा जा सकता है, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट कर लो चाहे तो, ठीक है, बस स्ट्रॉन्शियम, कॉपर, कॉपर पायराइट, सिल्वर, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये ध्यान रखेंगे। देन ये हो गया अपना कैलामाइन, कैलामाइन ध्यान रखना है जिंक का, ठीक है, कैलामाइन सॉल्यूशन आता है आपका, कैलामाइन, सिनेबर, दोनों याद रखना है। देखो कैलामाइन और सिनेबर इज वेरी कॉमन टू बी आस्क, ठीक है, सिनेबर पूछा जाता है बार बार, मरकरी, HG, मरकरी से कौन सी डिजीज होती है अपनी, नाम बताइए उसका। हितेश गुड मॉर्निंग, भूमिका, सोडियम इज पुट इन व्हाट, सोडियम इज पुट इन केरोसिन बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी। मीनामाटा, विकास ने लिखा है इताई इताई, अब आपको ये बताना है इताई इताई किससे होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इताई इताई किससे होती है, फिर ये आपने देख लिया। आयरन के तो अपने को पता ही है, हेमेटाइट, लेमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट से भी आयरन निकलता है, देखो CuFeS2, यानी ये ज्यादा फिजिबल है आयरन निकालने के लिए रेदर देन कॉपर। पिच ब्लेंड याद रखना है, पिच ब्लेंड पूछा जाता है किसका है, यूरेनियम, कैडमियम, 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 ठीक है, इताई इताई कैडमियम, कोई नहीं विकास, ऐसे ही होगा, ठीक है, समटाइम्स दिस हैपेंस, याद आएंगी नहीं आएंगी बट गुड, यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी टाइम, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब एक चीज और, जैसे HCS में आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, सो मैथमेटिकली यू हैव टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस, ठीक है, तो अपना जो टारगेट रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे 95 से 100 के बीच तक अपने को अटेम्प्ट करने हैं, तभी अपना सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। गुड मॉर्निंग जय, विवेक गुड मॉर्निंग, ठीक है, चलो अब अपने एलॉय, एलॉय तो वही हो गया जिसमें से आप मतलब मिक्स करते हैं बेसिकली, एक या दो, दो या तीन, मतलब मेटल्स को मिक्स्ड सॉलिड ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, इनको मिक्स करके अपन क्या बनाता है, एलॉय, ठीक है, और भी एक मिक्सचर है जिसमें से आपका मेटल निकलता है, ये भी एक मिक्सचर है बट ये दो या दो से ज्यादा मेटल्स का है, अपन बनाते हैं और क्या है, और में मेटल भी हो सकता है प्लस नॉन मेटलिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है उनको मार्क कर दिया है, ब्रास, ब्रोंज, ये याद रखना है, जर्मन सिल्वर याद रखना है, यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर, जिंक, निकल, देखो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, ऑप्शन मिलेंगे और लास्ट में एक सिल्वर मिलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट, तो ये भूमिका इतने करेंगे, इतने भी बताएंगे कैसे करेंगे बट करने पड़ेंगे, देर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है, शोल्डर, शोल्डर आपका है ये भी याद रखो, लेड, SN, ठीक है, SN क्या है, SN पता है किसी को, व्हाट इज SN, SN, ठीक है, ये हो गया, फिर नेक्स्ट अपना अमलगम, एमलगम आपका होता है मरकरी एलॉय, जिसमें एक कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, मरकरी, एमलगम याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, टिन, अंजू विक्रांत, यस SN इज टिन, ठीक है, अच्छा ऊपर भी आ गया आंसर, जेम्स बॉन्ड, जय, चलो भाई बॉन्ड ने बोल दिया तो फिर अपन मान लेंगे। अब अपन इसको देखते हैं, जैसे कंपाउंड ऑफ द मेटल एंड द नॉन मेटल एंड देयर यूजेस, यूजेस अपने HCS में तो यूज पूछे जाएंगे, ठीक है, तो इसमें जैसे फेरिक ऑक्साइड, ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो सब जगह है, फेरिक सॉल्ट वगैरह बनाने के लिए, फेरिक सल्फेट डाई इंडस्ट्री में, आयोडीन एंटीसेप्टिक, ठीक है,
और टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये भी एंटीसेप्टिक होता है आपका, ठीक है। आयोडीन एंटीसेप्टिक में भी यूज किया जाता है। फिर अपन ने आयोडीन देखा था, एक आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है ये आप मुझे बताइए, ये कमेंट करो। गुड मॉर्निंग आर्यन, देखने पड़ेंगे सारे, भूल गए, कोई नहीं, ये सवाल नहीं आते, क्वेश्चन क्या है वो क्या है, बाकी जो ज्यादा जरूरी है वो ध्यान रखना है बस। क्लोरीन हमारा मस्टर्ड गैस, देखो पॉइजनस गैस होती है, वर्ल्ड वॉर वन या टू में यूज करी गई थी, ये पूछा जा सकता है, वर्ल्ड वॉर वन में यूज करी गई थी, टू में कौन सी यूज करी गई थी, एक ऑप्शन ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मस्टर्ड गैस। ब्लीचिंग पाउडर में आपका क्लोरीन यूज करते हैं, क्लोरीन से ब्लीच हो जाता है, ठीक है। पेट्रोल भी अपन यूज करते थे, घेंगा, गोइटर, ठीक है, गोइटर, थायराइड बोल लो, गोइटर बोल लो, ठीक है, दोनों सेम। चिटिन, हाँ निभा कह रही है, पहले दूरदर्शन पे ऐड आता था निभा, एब्सोल्युटली राइट, एंड हम उस जमाने के हैं, वी आर ऑफ दैट जनरेशन जब दूरदर्शन पे घेंगे का ऐड आता था, ठीक है, तो प्राउड ऑफ दैट। चलो अब इसमें अपना नेक्स्ट क्या आ रहा है, हाइड्रोक्लोराइड, HCl, तो ये इसको अपन बोलते हैं एक्वारेजिया, इससे बनाया जाता है, ठीक है, मतलब HCl1 1 HNO3, एक्वारेजिया आपका गोल्ड सिल्वर इनको क्लीन करने के काम आता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन याद रखनी है HCl की। सल्फ्यूरिक एसिड लेड स्टोरेज में यूज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी आपका ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है। फिर ये अपनी कुछ है जैसे प्रोड्यूसर गैस CO+N2, ये अपनी होती है प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस CO+H2, इसको वाटर गैस का एक और निकनेम होता है, अपन ने देखा था ये वाटर गैस का फ्यूल में देखा था तब, ये वेल्डिंग में काम आती है। CO+H2 को एक और क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर निकनेम से पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है। गुड मॉर्निंग संगीता, चलो ठीक है, सिन गैस, SIN नहीं, SYN, ठीक है, सिन गैस। कोल गैस तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, व्हाट, अच्छा कोल गैस, सिन गैस, ठीक है, CO+H2। फिर अपना हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ये होती है लाफिंग गैस। सवाल ये पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस, सर्जरी में भी यूज करी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है, ये याद रखना, और सोडा वाटर में यूज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई नहीं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनते हैं, डायमंड ऑर्नामेंट्स, ग्लास कटिंग, ग्लास कटिंग एंड रॉक ड्रिलिंग। अच्छा डायमंड को रॉक ड्रिलिंग के लिए क्यों यूज करते हैं, व्हाई, डायमंड इतना प्रीशियस सब्सटेंस है, व्हाई इट इज यूज्ड इन रॉक ड्रिलिंग। गुड मॉर्निंग निशांत, हाँ NTU N2O यूज एज, प्रीवियसली यूज करते थे, अभी नहीं यूज करते हैं, ठीक है, ये बात ठीक। हार्डेस्ट, ओके, एलम, एलम अपन यूज करते हैं प्योरिफिकेशन वाटर, फिटकरी जो होती है अपनी, पहले पानी में डाल दी जाती थी, ठीक है, जब दूरदर्शन में घेंगा की ऐड आती थी तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, पानी भी इतना अच्छा नहीं आता था तो वो फिटकरी डाल देते थे, आजकल आप नहीं देखते ये सब चीजें, बट ये होती है। लेदर इंडस्ट्री में भी ये यूज करी जाती है। मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है, इसमें कैलोमेल इंसेक्टिसाइड्स वगैरह में यूज किया जाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्करी आपका थर्मोमीटर में भी यूज होता है, एमलगम, ये तो हो गया। जिंक सल्फेट, व्हाइट विट्रोल किसको बोलते हैं, जिंक सल्फेट, देखो इसका यूज क्या है, व्हाइट विट्रोल और जिंक सल्फेट यूज किया जाता है आई ऑइनमेंट में, आई में कोई भी इंफेक्शन होता है तो इसको डाला जाता है, और ये आपको किस चीज में करेगा, हेल्प करता है एंटी इंफेक्शन, मतलब एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, ठीक है, तो व्हाइट विट्रोल याद रखेंगे। फिर अपना आ रहा है कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है, चलो ये एसिटाइलिन गैस इससे निकलती है। फिर जो अपना एसिटाइलिन का यूज क्या होता है भाई, व्हाट इज द यूज ऑफ एसिटाइलिन गैस, ये कमेंट करो जल्दी से। देन कॉमन सॉल्ट, ठीक है, NaCl,
NaCl कॉमन सॉल्ट तो अपन खाने पीने में यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ये लाइम और टूथपेस्ट में आपका यूज किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ये आपके फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, सोडियम सल्फेट मेडिसिन या चीप ग्लास में यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकरी में यूज किया जाता है। ये सवाल पूछा जाएगा, बेकरी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा इज कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट इंसेक्टिसाइड्स वगैरह में यूज किया जाता है, वुंड क्लीनिंग में भी अपना यूज किया जाता है, वेल्डिंग राइपनिंग। ठीक है चलो, इथाइलिन राइपनिंग, राइपनिंग ऑफ उसके लिए यूज करते हैं पहले इसको। ठीक है, देन अपना आ रहा है हैवी वाटर, हैवी वाटर अपन यूज कर रहे थे जो न्यूक्लियर वाला अपन ने देखा था, न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर उसको स्लो डाउन करने के लिए। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, कैल्शियम सल्फेट 2H2O और हाफ H2O ये होता है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO ये है आपका क्विक लाइम। एसिटाइलिन फॉर वेल्डिंग, इथाइलिन फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, एसिटाइलिन और इथाइलिन में क्या अंतर होता है, दोनों के केमिकल फॉर्मूले बताओ मेरे को, बॉन्ड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटाइलिन एंड इथाइलिन। स्लैग लाइम, स्लैग लाइम, चलो ठीक है छोड़ो इसको। अब अपन आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सम मेटल्स, मेटल्स के बारे में। देखो जिंक फॉस्फाइड ये जो चूहे मारने वाली दवा होती है उसमें होता है, ठीक है, तो इसको कभी खाना नहीं है। वुड फर्नीचर जो है वो भी आपके जिंक क्लोराइड से कोटेड होते हैं, वो किसमें हेल्प करता है, एसिटाइलिन C2H2 एंड इथाइलिन, इथाइलिन C2H4 ये हो गया। देखो आयरन, आयरन पे अपन ने देखा था कोटिंग करी जाती है जिंक की, वो है गैल्वेनाइज्ड। ठीक है चलो ठीक है, इथाइलिन C2H4 एसिटाइलिन C2H2 थैंक यू, मैं तो दोनों को सेम समझ रहा था, काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, 12th में लास्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ी थी और इतनी वैसे मतलब चलो ठीक है, मतलब यूपीएससी के लिए भी पढ़ी है मैंने, बट ये इतना डिटेल में जितना अपन HCS के लिए कर रहे हैं उतना यूपीएससी में नहीं होता, यूपीएससी में करंट अफेयर ज्यादा रहता है। ठीक है, HCS में ये वाली स्टैटिक वाली GK ज्यादा पूछी जाएगी, इसीलिए अपन ने लूसेंट उठाई है। टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक मेटल बोला जाता है बिकॉज इट इज लाइटर देन आयरन। गन पाउडर आपका है उसमें आप पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर चारकोल यूज करते हो, नाइक्रोम की वायर अपन इलेक्ट्रिक हीटर में यूज करते हैं। ठीक है, पर्ल एश पोटेशियम कार्बोनेट, पर्ल एश ये जो मार्क कर रखे हैं ये सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्यों मान के चलो, पैलेडियम आपका एरोप्लेन में यूज होता है बनाने के लिए, वर्ल्ड फेमस आईफिल टावर जो है उसका स्टील और सीमेंट का बेस है, सोडियम परऑक्साइड ये सबमेरीन में यूज किया जाता है क्लोज्ड एयर को प्योरीफाई करने के लिए, उसमें मान लो CO2 ज्यादा हो जाएगी और वो सब, तो अपन यूज करते हैं सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड ध्यान रख लेना यार, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कोबाल्ट ये भी पूछा जाएगा, कोबाल्ट 60 इन कैंसर ट्रीटमेंट, तो कैंसर ट्रीटमेंट में कौन कौन से यूज करे जाते हैं, 1, 2, 3, 4 कोबाल्ट वहां पे मिलेगा ऑप्शन में, कोबाल्ट 60। ठीक है, अनियन गार्लिक की जो, हाँ ये भी पूछा जा सकता है, पोटेशियम। ठीक है, इनकी जो स्मेल होती है ऑर्डर होता है वो किस वजह से होता है, पोटेशियम। अच्छा जो अपन प्याज काटते हैं तो अपने को आंखों में आंसू आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है ये कमेंट करो। फिर अपन सिल्वर और कॉपर, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर्स। ठीक है, सबसे बेस्ट कौन सा है, सिल्वर। लिथियम लाइटेस्ट है, मोस्ट रिडक्टेंट। ठीक है, ग्रीन कलर ये भी पूछा जा सकता है, ये दो तीन कलर तो याद रखना ही है, जैसे फायरवर्क्स का जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है, बेरियम। ठीक है, बेरियम, बेरियम सल्फेट को ही एक्सरे में यूज करते हैं, ये एक्सरे, इसको बेरियम मील बोला जाता है। सल्फर, और एनीबडी एल्स वांट टू कमेंट, 25-26 लोग दिखा रहे हो तो एक आधा कोई नो ही बोल दो,
डोंट नो, ठीक है चलो फिर, मुझे भी सल्फर ही याद आ रहा है। बाकी चेक इट, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, इसको एक बार चेक कर लो और देख लो, देख के बता दो जल्दी से, ठीक है? नेट पे फास्ट चेक करके अभी कमेंट कर दो। फिर अपना आ रहा है, ये तो हो गया, ऑस्मियम इज द हैवीएस्ट मेटल, ये ध्यान रखेंगे, प्लेटिनियम इज द हार्डेस्ट, सिल्वर आयोडाइड, देखो ये मेटल में है प्लेटिनियम, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं है। उसके बाद अपना क्या है, सिल्वर, सिल्वर वाले ये सारे इंपॉर्टेंट है, सिल्वर क्लोराइड फोटोक्रोमेटिक गैस में, ग्लास में, जो अपना फोटोक्रोमेटिक ग्लास होता है, सिल्वर क्लोराइड यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड से आर्टिफिशियल रेन बनाया जाता है, ये पूछा गया था सवाल। और ऐसे ही इलेक्शंस में जो अपन इंक होती है परमानेंट इंक जो उंगली पे लगाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइट, ये हो गए। तो ये तीनों के तीनों याद रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट। कुछ तो है, कुछ तो है, ऐसे ही है आंसर, ऐसे जेम्स बॉन्ड, इसका आंसर देख के बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। आप टू हार्डन, हार्डन द गोल्ड, कॉपर इज मिक्स्ड, ठीक है, गोल्ड में कॉपर मिक्स किया जाता है, अपना 24 कैरेट का जो होता है वो क्या होता है, गोल्ड ही होता है, ठीक है। ट्यूबलाइट में आप क्या होते हैं, वेपर्स ऑफ मर्करी, आर्गन वगैरह होते हैं, टीएल, टेट्रा इथाइल लेड, ये अपन ने कहाँ देखा था, एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स में। अच्छा, नॉकिंग के लिए एक पर्टिकुलर नंबर था, ये नंबर अपन देखते थे कि ये नंबर ऑब्जर्व करते थे ना नॉकिंग के लिए, सल्फर गैस ही है सर, चेक्ड, ठीक है विकास, थैंक यू। तो प्राइमरी इंट्यूशन इज ऑलवेज राइट, पुराना पढ़ा हुआ होता है, बट जो आपके स्ट्राइक करता है तो समटाइम्स इट इज ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा चेक करके ही, मतलब आई थिंक तभी कमेंट करना चाहिए, ठीक है। एंड विकास गुड, प्रोएक्टिव, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर फॉर डीजल, यस एब्सोल्युटली राइट, ऑक्टेन फॉर पेट्रोलियम, सीटेन इज फॉर डीजल। चलो, फ्यूज वायर किसकी बनी होती है, लेड और टिन की बनी हुई होती है, ठीक है। और क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, इतना इन इंडिया, टंगस्टन कहाँ से निकाला जाता है, डिगाना माइंस, डिगाना माइंस राजस्थान, राजस्थान से अपन एक और क्या निकालते हैं, राजस्थान की एक और फेमस माइंस है, वहां से क्या निकलता है, प्रोपेनिथाइल, प्रोपेनिथाइल सल्फर ऑक्साइड टर्न्स इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ चलो ठीक है, दिस इज मोर प्रिसाइज, ओके थैंक यू विवेक, ठीक है। कॉपर, खेतरी माइंस कॉपर, जिरकोनियम, कैडमियम, बोरोन, दे हैव कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में अपन इनको यूज करते हैं, गुड। क्रिम्सन रेड कलर होता है स्ट्रॉन्शियम के कारण, तो अपन ने ग्रीन देखा था बेरियम के कारण, क्रिम्सन रेड स्ट्रॉन्शियम, गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर मर्करी आर नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते, दे आर ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुलशन, बहुत लेट हो गया आज तो, सुबह वाला टाइम थोड़ा सा ऐसा ही होता है, कई बार आप पढ़ते पढ़ते भी लेट सोते हो और माहौल भी ऐसा ही चल रहा है, अब तो हर दिन ऐसे ही लगता है कि पता नहीं तबीयत ठीक भी है या नहीं भी, कंफ्यूजन सा रहता है, मतलब यू आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर दैट यू आर फाइन समटाइम, मतलब ऐसा ही लगता है हमेशा उठ के सुबह, पिछले कुछ दिनों से तो यही चल रहा है। कोई नहीं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू मेक वाटर प्रूफ एंड स्टेनलेस क्लॉथ्स, ठीक है भाई, एंड एसिटाइलिन, तो ये अपना हो गया, ये रिएक्ट करती है कैल्शियम CaCO2, एसिटाइलिन, और एसिटाइलिन अपन इसी में ही था अपना कि भाई ये भी राइपनिंग में यूज होती है, इथाइलिन एसिटाइलिन दोनों ही चलते हैं, वो और भी अपन गए थे आज डीप में, आया ही था इसका,
साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, यस, खाओ पियो और सो जाओ, ठीक। एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। आयरन की डेफिशिएंसी तो ये है, देखो आयरन की एक्सेस से क्या होता है, सिडरोसिस। सिडरोसिस भी याद रखना, एनीमिया तो सबको पता होगा। सिडरोसिस यहाँ पे क्या है कि बंतु ट्राइब्स, अफ्रीका की कुछ ट्राइब्स हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है, बंतु ट्राइब्स। एक और ट्राइब्स हैं अफ्रीका की जो ड्रिंक करती हैं अपने कैटल्स के ब्लड को, उस ट्राइब का नाम आप बताइए, उसका नाम बताओ जो अपने कैटल्स के उसको ड्रिंक करती हैं ब्लड को, वहां पे वो काट देते हैं फिर उसको दोबारा से सील देते हैं। ये क्या करते हैं कि बियर जो है वो आयरन यूटेंसिल्स में पीते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है ये रिएक्ट कर जाती है। तो इसलिए जैसे आपने कभी देखा होगा, दोज हु यूज टू ड्रिंक, पीपल यूज टू से कि ग्लास में मत पियो या ऐसे मत पियो, तो ये एक रीजन रहता है क्योंकि बिकॉज अल्कोहल जो है वो उसके साथ रिएक्ट करता है मेटल के साथ और उसको बाहर निकाल देगा। तो इसलिए ऑलवेज व्हेनेवर ग्लास इज द बेस्ट, ठीक है, या फिर प्लास्टिक। इफ यू, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ अल्कोहल और कंजम्पशन ऑफ एनी अदर सब्सटेंसेस, बट इफ समवन देन टेक प्रिकॉशंस, ठीक है। मसई ट्राइब्स, यस निशांत, मसई थोड़ा फिजिकल एंड बी पॉजिटिव। हाँ फिजिकल शुरू करना पड़ेगा, अभी शुरू किया है, इट्स बिन लॉन्ग टाइम। इंस्टीट्यूट जब शुरू हुआ था दैट वाज द लास्ट, 21 नवंबर पहली क्लास थी, और तो निभा तो वहीं से ही है, फर्स्ट क्लास से है साथ, तो निभा को पता ही है। उससे पहले तक आई यूज्ड टू गो टू जिम, बट तब से लेके अब तक और निल, ऑलमोस्ट निल, ऑलमोस्ट नहीं, निल ही है अब। आई एम थिंकिंग अब लगभग अपना काम ऑलमोस्ट थोड़ा सा लाइन पे आ गया है, तो आई एम थिंकिंग ऑफ कंटिन्यूइंग अगेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब अपना यहाँ पे क्या आएगा, ये तो हो गया, अपन ने ये देख लिया, कंबशन ऑफ पेट्रोल, चलो चलेगा। ठीक है, अब घर पे कर लो, जिम बंद है तो जिम में जाना जरूरी नहीं है। लेड आर्सेनिक इज एन अलॉय यूज टू मेक बुलेट्स, ठीक है, लेड आर्सेनिक यहाँ पे बुलेट्स होते हैं। कार्बन लेड इज यूज टू मेक आर्टिफिशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये दोनों ध्यान रखेंगे, कार्बन लेड एंड लेड आर्सेनिक। यूरेनियम आपका हैवी रेडियो एक्टिव मेटल है जो कि आपका बॉम्ब्स वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। फिर अपना ये नागासाकी हिरोशिमा में अपने ड्रॉप ही किए थे। ग्रीन कलर अगेन बेरियम दोबारा से आ गया है। केमिकल नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl, एंड द सोडियम कैन बी इजिली कट विद द नाइफ। ये सवाल पूछा जाएगा, जो सोडियम है, सोडियम थोड़ा सा वो है, सोडियम आपका कैरोसिन में जो रखा जाता है मेटल, वो भी क्योंकि बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, और आपको इस नाइफ से भी काट सकते हो, इतना सॉफ्ट होता है, ठीक है। वैसे मैंने यहां तक ही प्रिपेयर किया था आज, बट अभी अपने पास टाइम है, सो आई जस्ट गो थ्रू जो भी नॉन मेटल्स में अपनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स देखो, 24 अपने नॉन मेटल हैं, ठीक है, कोई नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, यस, ठीक है। बैड कंडक्टर होते हैं जो पहले, जैसे अपने मेटल्स हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, जबकि दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें जो पूछा जाएगा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, ये तीनों पता होना चाहिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। ये जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड H2O, हैवी वाटर इसको अपन बोलते हैं, और यही देखो ये रहा हैवी वाटर, और ये यूज किया जाता है एज ए मॉडरेटर, स्लो करने के लिए न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये अपना हो गया, इसमें आपको ये याद रखना है। लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, ये भी सवाल बन सकता है, ये दोनों। इसमें क्यों मार्क करता हुआ चलूंगा वो देख लेंगे, ठीक है। वाटर, वाटर अपने को पता ही है, वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या अंतर है, सॉफ्ट वाटर में ज्यादा फ्रॉथ बनता है, झाग ज्यादा बनते हैं, झाग अच्छे होते हैं तो सॉफ्ट वाटर भी अच्छा होता है, हार्ड वाटर में झाग ज्यादा नहीं बनते। कई बार आपने देखा होगा गाँव गाँव में बन जाते हैं, तो फिर वहां पे ये सॉल्ट वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब ज्यादा सॉल्ट होने की वजह से हार्ड वाटर हो जाता है। हार्ड वाटर अपना क्या होता है, वो काम नहीं करेगा ढंग से, ठीक है, धोने में भी दिक्कत होती है, कपड़े वगैरह, ठीक है। देन ये हो गया टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस इनकी वजह से होती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बायकार्बोनेट है, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट होंगे उससे परमानेंट हार्डनेस, ठीक है।
टेम्परेरी हार्डनेस है ये, आप पानी को गर्म करके रिमूव कर सकते हैं एंड क्लार्क्स मेथड, जबकि व्हाइट परमानेंट हार्डनेस को आप सोडा ऐश से ही रिमूव कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि बॉइलिंग से आप टेम्परेरी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। आइस में क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल चार दूसरे अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट होता है टेट्राहाइड्रल फैशन में। तो ये एक दो तीन चार ऐसे ये कंबाइन होते हैं, इसी की वजह से आइस की देखो वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, मास सेम रहता है, तो डेंसिटी पानी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए आइस क्या होती है, पानी में फ्लोट करती है। सर वाटर में सोरा जो हुआ है वो क्या होता है, दैट इज हार्ड वाटर और एल्स। वाटर में सोरा, सोरा क्या होता है, मुझे सोरा नहीं पता हितेश, मतलब सोरा समझ में नहीं आया भाई। कोई नहीं, ये तो हो गया। देन आइस है मेल्ट एट 0 डिग्री, ये तो अपने को पता ही है। ठीक है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, स्पेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए फिर वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। ओके, हाँ अब ये याद रखना है, 4 डिग्री, 0 to 4 आपकी डेंसिटी वाटर की इंक्रीज होती है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी याद है। सॉल्ट टाइप, हाँ तो सॉल्ट टाइप वो इन्हीं की वजह से ही होगा, सॉल्ट्स की वजह से ही होगा, सारे जितने भी सॉल्ट्स हैं और ज्यादा होंगे और ये स्पेशली कैल्शियम मैग्नीशियम वाले होंगे तो फिर हार्ड वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये फॉर्मूला याद रखना है, H2O हाइड्रोजन परऑक्साइड का तो फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। पेल ब्लू कलर का होता है, डेंसिटी कोई काम की नहीं, ब्लीचिंग के लिए काम करते हैं और हेयर ब्लीच में भी काम करते हो, एंटीसेप्टिक में बहुत ज्यादा यूज है, मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वॉशिंग ऑफ द वुंड्स, जो सर्जरी में हम हमारी जब पोस्टिंग होती थी तो वी यूज टू क्लीन वुंड्स। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड से, क्योंकि उनको रेगुलरली हर 2-3 दिन में क्लीन करना पड़ता है बड़े बड़े वुंड्स। एक बार तो एक आदमी की जैसे ट्रेन से टांगे कट गई थी, तो उसकी लगातार ड्रेसिंग करती रहनी पड़ी थी 1 महीने तक, वो बार बार उसमें इन्फेक्शन होता, क्योंकि एक्सपोज एरिया इतना ज्यादा, उसको बंद कर दो तब भी इन्फेक्शन हो ही जाता था, तो बार बार वो H2O2 से क्लीन करना पड़ता था। ठीक है, तो वो H2O2 अपन इसमें देखते हैं, ईयर टीथ क्लीनिंग और इन सब में। ठीक है, नेम पर हाइड्रो और रॉकेट फ्यूल की तरह भी ये काम में आता है। H2O हैवी वाटर, ये अपने को पता ही है, एंड इट इज इंजूरियस टू प्लांट और दिस दिस दिस, इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, और न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर आप इसको यूज कर सकते हो। यस, ऑक्सीजन, अपने को ऑक्सीजन के 3 अलग अलग आइसोटोप हैं, ये याद रखना, 16, 17, 18। ठीक है, कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस। ठीक है, एक स्टेटमेंट मैं बताता हूँ, ऑक्सीजन इज मोस्ट कंबस्टिबल गैस। या इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल, ऑक्सीजन इज हाईली इनफ्लेमेबल, ट्रू और फॉल्स? ऑक्सीजन इज हाईली इनफ्लेमेबल। विकास सर आपकी स्पेशलिटी क्या है? विकास मेरा इंटरव्यू नहीं सुना क्या? एमबीबीएस एंड देन आई वर्कड इन HCMS एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग जस्ट आफ्टर डूइंग एमबीबीएस, और मैं सिर्फ फिर सिविल सर्विसेज में ही था। ठीक है, तो मैंने कोई स्पेशलिटी नहीं करी। ठीक है, फॉल्स। अब स्पेशलिटी LLB में होगी, LLB फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी कैंसिल हो गए, मतलब डिले हो गया, अच्छा हुआ टाइम मिल जाएगा। कंबस्टिबल है यस, बट इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल वो काम में आती है, इसको जलाने के काम में आती है। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की मदद से, मतलब जैसे आग लगा दी ऑक्सीजन पे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है, फॉल्स। ओके, बाकी इसको एक बार थोड़ा सा रिसर्च करना, क्योंकि ये सवाल मेरे दिमाग में कैसे आया कि देर वॉज वन डॉक्टर जो न्यूज में चल रहा था, तो वो बोल रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा था कि भाई मतलब इट इज हाईली
इनफ्लेमेबल। तब मैं मुझे याद आ रहा था कि मैंने ये पढ़ा था कभी बचपन में कि ऑक्सीजन इज नॉट हाईली इनफ्लेमेबल। तब मैंने सोचा एक बार पूछ लेते हैं, बाकी देखेंगे। ठीक है, बाकी एक बार जस्ट चेक इट आउट ऑन इंटरनेट एज वेल। CO2 और ये, ठीक है, ये तो फोटोसिंथेसिस अपन देख ही चुके हैं। ऑक्सीजन जो है आपके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज करी जाती है, जैसे सर्जरी कर रहे होते हैं, और अभी क्या चल रहा है, कोरोना के टाइम पे भी अपन कर ही रहे हैं। ठीक है, कभी भी प्योर ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। देखो, प्योर ऑक्सीजन भी जो दी जाएगी वो आपका ऑक्सीडेशन करा देती है और इट इज डेंजरस। कभी भी प्योर ऑक्सीजन नहीं देते हैं। ये हो गया आपका। और जब इनहेल करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अलग अलग पार्ट्स में जाएगी, वहां पे ये ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। यही ऑक्सीजन फिर आपके फूड वगैरह के ऑक्सीडेशन में काम आती है। ठीक है सर, प्लीज एक्सप्लेन व्हाई इट इज फॉल्स। ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है, ना कि खुद वो, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है आपकी हाईली इनफ्लेमेबल। अगर वहां पे थोड़ी सी भी उसको ऑक्सीजन मिल गई तो वो जल जाएगी। ठीक है, बट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को जलाने में क्या करोगे आप? ऑक्सीजन को यूज करोगे, ऑक्सीजन से जल के क्या बनेगा? ऑक्सीजन O3 क्या बन जाएगा? ठीक है, तो वो इनफ्लेमेबल नहीं होती है, वो जलाने के काम आती है। एक कंपाउंड है, ठीक है, मतलब खुद में कैसे जलेगी, नहीं जल सकती। ठीक है, फिर अपना आ गया O3। O3 अपना क्या होता है? ओजोन, ये अपन ने देखा ही था, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में ये आपका पाया जाता है, ओजोन, ओजोन होल। और कल अपन ने वो भी देखी थी, कौन सी ट्रीटी करी गई है, मॉन्ट्रियल। ठीक है, O3 ये तो हो गया, एलोट्रॉप इफेक्ट, यूवीरेज। ठीक है, यूवीरेज से प्रोटेक्ट करती है आपको ओजोन, ये भी आपको पता है। स्टरलाइज करने के लिए भी काम में आती है, जो अपने आजकल ओजोन वाले वो आ रहे हैं ना, ये यू फिल्टर वगैरह, तो उसमें भी काम में आती है। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट, एजेंट की तरह भी अपन यूज करते हैं इसको, फाइबर्स, ऑयल, स्टार्च वगैरह में। मॉन्ट्रियल, यस। ऑक्सीजन डज नॉट बर्न, इट इज नॉट इनफ्लेमेबल, बट इट इज एन ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीजन फीड्स फायर, सो इट इज डेंजरस टू यूज अराउंड समथिंग दैट इज बर्निंग, बिकॉज इट विल हेल्प द फायर बर्न मच मोर क्विकली। यस, अगर फायर लगी हुई है तो वहां पे बस बढ़ाने के काम आ सकती है, खुद से नहीं करेगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज हाईली पॉइजनस एंड टॉक्सिक, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है। मैंने बताया था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 200 टाइम्स, ये तो यहाँ 300 लिखा हुआ है, 300 टाइम्स। ठीक है, स्टेबल कंपाउंड, 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 200 आई थिंक CO2 वाले से होगा, जो भी है भाई, 300 लिखा हुआ है, तो इसको फिर से थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक है, इसको भी चेक करो फैक्ट को, ये मेरे को तो 200 पुराना पड़ा हुआ याद आ रहा है, 200 to 300 भी हो सकता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि ये हटता नहीं है। ठीक है, एक बार जो चिपक गया वो हटेगा नहीं, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपकी अलग नहीं हो पाएगी, तो वो दिक्कत है फिर। ठीक है, तो फिर आपको बॉडी को मिलेगी नहीं, और इसी को अपन ने क्या देखा था कल, हाइपोक्सिया बोलते हैं, डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और उसी की वजह से आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है, जिसको अपन बोलते हैं साइनोसिस। ठीक है, अगर बॉडी में कभी भी साइनोसिस आएगा तो आपके लिप्स पे, ठीक है, जल्दी से देखने को मिलता है, क्योंकि वो पेरिफेरल पार्ट्स होते हैं, लिप्स, चिक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया, टिन गैस, फ्यूल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस CO+H2, CO+N2, प्रोड्यूसर इज N2, वाटर इज H2। मेरी गलती से लगाई आग ज्यादा हवा चलने से स्प्रेड हुई थी। यस, वही होता है, वो हवा, हवा चलने से तो आग ऐसे फैलती है, ऑक्सीजन से भी फैल जाएगी, दोनों ही कारण होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस, ऑडरलेस, हैवियर देन एयर। ठीक है, अगर ज्यादा होगी तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन करा सकती है। ड्राई आइस होती है, यूज इन रेफ्रिजरेंट अंडर द नेम ड्राई कोल्ड। यही ये मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन, नहीं ये तो कार्बोजन है। ड्राई आइस भी CO2 से ही बनती है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, ड्राई आइस में ऐसा नहीं है कि वाटर। ठीक है, ड्राई आइस CO2 सॉलिड फॉर्म में, और एक यहाँ पे आप लिख रहे हो कार्बोजन। कार्बोजन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए यूज दी जाती है इन द विक्टिम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए CO2 अपन दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। एंड
एक मैंने क्या बताया था, अगर किसी ने नकली नकली दारू पी ली है तो उसका इलाज क्या बताया था अपने, नकली दारू अगर किसी ने पी ली है, नकली दारू से आंखें आंखों की रोशनी जाने की संभावनाएं होती है, ठीक है, रिएक्शन करके, तो उसका इलाज क्या करोगे भाई, थोड़ा थोड़ा सा सीख लिया करो, जितनी जितनी मेरी मेडिकल नॉलेज बची हुई है एटलीस्ट उतनी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, तो बताओ आप इसका आंसर। असली दारू ठीक है, अलग अलग आ रहा है 200 से 250, ठीक है 200 से 250 टाइम मान लेंगे, ठीक है हितेश थैंक यू, ये तो सबको याद है, ठीक है। अब है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2, ये आपका लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेशन में यूज होती है प्रोटीन सिंथेसिस में, नाइट्रोजन NPK जो अपन लेते हैं NPK प्रोटीन, और बॉडी बिल्डिंग में भी अपन नाइट्रोजन यूज करा जाता है। ये सवाल पूछा जाएगा हैबर प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अपन बोलते हैं हैबर प्रोसेस, सबसे पहले मतलब बहुत पुराना प्रोसेस है, काफी न्यूज में भी रहता है, तो ये क्या बात है, मतलब एक सब ने कमेंट कर दिया इस पर, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया अपना क्या रहेगा, अमोनिया अपना होता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है, फर्टिलाइजर यस, और ये चलो ठीक है, एक्सप्लोजिव बनाने के भी काम आता है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के काम आता है, लेग्युमिनस प्लांट्स में होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बिल्कुल सही, ठीक है। फॉस्फोरस है ये बोन्स और डीएनए, देखो बोन्स में आपका कैल्शियम होता है फॉस्फोरस होता है, ठीक है, कैल्शियम की कमी फॉस्फोरस की कमी तो वो अपन दिला देते हैं उसको, ठीक है। तो फॉस्फोरस इज असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो यही आपके सेल्स बनाने के काम आता है, सेल डिविजन वगैरह में भी, ठीक है। अब फॉस्फोरस में अलग अलग होते हैं व्हाइट रेड येलो, ठीक है, व्हाइट इज मोर रिएक्टिव देन रेड। अच्छा जो अपनी माचिस की तिल्ली होती है, माचिस की तिल्ली पे जो आगे लगा होता है वो कौन सा कंपाउंड होता है, मतलब वो कौन सा वो होगा वट एवर क्या होता है, वो जो आगे लगा होता है तिल्ली के आगे उसको क्या बोलते हैं, सबकी नींद खुल गई, क्या है, रेड फॉस्फोरस। आप आफ्टर कंज्यूमिंग लिक्वर व्हाई पीपल लूज देयर बॉडी बैलेंस, क्योंकि वो लोग हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, एक अपनी पुरानी कहावत है, ठीक है। तो अगर मतलब शराब में नशा होता तो बोतल भी आपकी डांस करती, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं, ये तो एक मजाक था, रिसेप्टर्स होते हैं जो एल्कोहल जहां पे जाके कंबाइन हो जाता है, और फिर आपके जो अलर्टनेस है, ठीक है, अलर्टनेस के लिए जो अपना काम करना होता है उनको कंबाइन नहीं होने देता है, तो वो बेसिकली आपको फिर धीरे 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 सुला देता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है, धीरे धीरे जैसे जैसे जो आदमी दारू पीता जाता है, ज्यादा पिएगा तो ज्यादा कंज्यूम करता है, ये रिसेप्टर्स स्लोली स्लोली इंक्रीज होते जाते हैं, नंबर इनका धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्यों, क्योंकि आप अच्छा फील करते हो तो बॉडी भी उन रिसेप्टर्स को और ज्यादा बनाती है कि और चाहिए टाइप्स, और फिर आपने देखा होगा पहले एक पैक से काम चल जाता था, अब एक बोतल से भी काम नहीं चलता, तो ये कंडीशन हो जाती है लोगों की और फिर वो नुकसान करती है, ठीक है। सो इसलिए इट इज बैड। सल्फर डाइऑक्साइड, चलो ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये आपका ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है, इतना ही काम का है। हैलोजन्स, हैलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ये सब हो गए, चलो और इसमें कुछ नहीं है, नेक्स्ट अपना क्या है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन अपन किसमें यूज करते हैं, रेफ्रिजरेशन में, एसीज में, और यही आपका ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस भी होता है, ये अपने को पता है। नॉन स्टिकिंग यूटेंसिल्स में क्या होता है, टेफ्लॉन, ये पूछा जाएगा भाई, ठीक है, कि भाई नॉन स्टिकिंग यूटेंसिल्स में क्या होता है, टेफ्लॉन, ठीक है। और क्लोरीन यूज टू प्रिपेयर पीवीसी इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड्स यस, ब्लीचिंग में भी यूज करते हैं, डन। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट, ठीक है, द कलर कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, वेजिटेबल ऑर्गेनिक मैटर्स में ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा आ रहा है इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस क्या होती है, नोबल गैसेस, इसमें अपने क्या होगी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ेनोन, 18th ग्रुप, 18th जो सबसे लास्ट ग्रुप है, सबसे कम रिएक्टिव इसमें पाई जाती है, और ये सवाल बन सकता है, ये चारों याद रखनी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनर्ट गैस, ये सारे देंगे एक एक्स्ट्रा देंगे, तो
ठीक है। नियोन के अपने बल्ब होते हैं वो जो जलते हैं, जलने वाले लाइट्स, ठीक है। हीलियम लाइट, ठीक है, हीलियम बैलून में यूज करते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं अपने बैलून लाइटर देन द एयर, तो हीलियम। सर बस आज काफी है, इफ ऑल एग्री। हाँ आज के लिए काफी है, अभी ये नहीं करेंगे। कॉमन फैक्ट्स देखो, कैटलिस्ट, डायनामाइट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, सोडा गैस, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनर, फूड प्रिजर्वेटिव। चलो कल इसको ले लेंगे जो बचा हुआ है, कल कल अपने कल अपनी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, सो विल टेक इट टुमारो। सो दिस इज इट। चलो ठीक है देन, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी वेल, जितना टाइम मिलता है पढ़ाई करिए, और अगर कुछ भी समस्या होती है तो गेट योर सेल्फ टेस्टेड, ठीक है। चलो सी यू इन द इवनिंग बायोलॉजी के साथ, टिल देन स्टे विथ, स्टे हेल्दी, गुड बाय एंड जय हिंद।